अस्सलाम वालेकुम टू ऑल. टुडे द लेक्चर इज़ अबाउट इंटरव्यू द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन यूजिंग प्राइमरी सोर्सेज. और दिस मेथड इज़ हेल्पफुल इन क्वांटिटेटिव रिसर्च. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू क्या होता है, इसको हम क्यों कंडक्ट करते हैं, और इसके अलावा इसमें कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, हमें किस तरह के इंटरव्यूज कंडक्ट करने चाहिए, किस तरह के नहीं करने चाहिए, किसमें हमें फ़ायदा है, किसमें हमें नहीं फ़ायदा, हमें किस तरह की स्टडीज़ में किस तरह के इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करना चाहिए. तो अगर आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग आप लोग मेथड्स सेलेक्ट करते हैं कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं वे अपनी डाटा प्रोडक्शन करेंगे, तो आज हम चलते हैं अपने इंटरव्यू के लेक्चर की तरफ. तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें. स्टार्ट करते हैं लेक्चर. So we will talk about what is interview. Any person-to-person interaction, either face-to-face or otherwise, between two or more individuals with a specific purpose in mind is called an interview. एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ इंटरेक्ट करना, बातचीत करना, चाहे वो फेस टू फेस कर रहा है, कॉल पे कर रहा है, वीडियो कॉल पे कर रहा है, या एक दूसरे के साथ किसी एक खास टॉपिक पे, किसी एक खास पर्पस पे जो उसके माइंड में है, उस पर बातचीत करने के तरीके को इंटरव्यू कहा जाता है. इंटरव्यू जो है उसके अंदर हम अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम्स, टॉपिक जो होता है हमारा, उसको डिस्कस करते हैं दूसरे इंसान के साथ, उसे क्वेश्चनिंग करते हैं और उसके जो जवाब होते हैं उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड मेथड होता है सोशल साइंसेस में, क्योंकि सोशल साइंसेस में हमारे पास सोशल इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज को हम हर चीज़ को ईजिली इन डेप्थ डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको डिटेल में लिख सकते हैं कि ये क्यों है, कैसे है और इसकी क्या वजूहात हैं, और क्या कब और कैसे ये सोशल इशू जो है वो ख़त्म होगा, या इसके लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं. हमें हर चीज़ इन डिटेल चाहिए होती है, इसलिए हम इसके ऊपर क्वेश्चनिंग करते हैं. जबकि क्वेश्चन ईयर में क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ चार या पाँच ऑप्शन होते हैं, या येस या नो की ऑप्शन होती है, जिससे हमें आंसर जो है वो क्लियर नहीं होता टोटली, हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते. तो जब इंटरव्यू में हम लोग चीज़ों को क्लियरली डिस्क्राइब कर देते हैं, और जो कि हमें क्लियर हो जाती हैं कि क्या होने वाला है. तो देयर इज़ द टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज. वी विल टॉक अबाउट फर्स्टली अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज. तो व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज? इंटरव्यूज इन विच यू एज एन इंटरव्यूअर हैव एवरी फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आस्क of your respondents, explanation you provide, wording you use, and the sequence in which you ask them. Unstructured interviews में क्या होता है कि इसके अंदर जो interview करने वाला है, ठीक है, यानी कि आप as a researcher interview कर रहे हैं अपनी एक research problem में किसी से, तो आपके पास properly खुली flexibility है कि आपने किस तरह के सवाल करने हैं, आपने किस तरह के रिस्पोंडर्स से वो क्वेश्चनिंग करनी है, उसके अलावा आपने कौन सी वर्डिंग इसमें यूज़ करनी है, आपने किस तरीके से उनको एक्सप्लेन करने हैं अपने क्वेश्चंस, तो आपके ऊपर खुलम खुली आपको इजाज़त होती है कि आपने जो इंटरव्यू करना है वह किस तरीके से करना है, ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको ऑलरेडी एक प्रॉपर वे में क्वेश्चनिंग नहीं करनी, बाहर आपने अपनी वर्डिंग के अंदर, अपनी वर्डिंग के अंदर आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, या आपके ऊपर आपको इंडिपेंडेंसी दी जाती है कि आप इंडिपेंडेंट होते हैं क्वेश्चंस करने में. तो इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि इससे आप हर जो डिटेल होती है किसी भी प्रॉब्लम पे, और आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है. आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर कोई बंदा आप कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, अगला जवाब देता है कि जी मुल्क में ये हालात हैं, आपके माइंड में और सवाल आ जाते हैं कि ये मुल्क में हालात किसकी वजह से हैं, क्यों हैं, तो वो आप इन डिटेल में अपनी जिस तरह अगला जवाब देता है उसके जवाब के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपके माइंड में आता है उस टाइम, और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, और जहाँ तक जब तक आपके माइंड के सारे क्वेश्चन, सारी के सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, आप क्वेश्चनिंग करना बंद नहीं करते, ठीक है. ये आपको इसका फ़ायदा होता है कि आपको इनडेप्थ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके पास हाई लेवल ऑफ स्किल्स होना चाहिए, क्योंकि आपने एकदम ही क्वेश्चनिंग करनी है. अब आप इस तरह की वर्डिंग भी यूज़ ना कर दें, तो जिस तरह हम नॉर्मल देखें तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर कोई हमें इस तरह क्वेश्चन का एकदम जवाब दे,
तो हम किसी के साथ फ्रैंक नहीं है, हम सिर्फ डाटा कलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं, और कोई हमें ऐसा जवाब देगा कि आपके ख्याल में, हम कह रहे हैं कि आपके ख्याल में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और क्यों है, तो उसके जवाब पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हमारे या हम कोई इस तरह का वो जवाब दे दे कि हमें गुस्सा आ जाए और हम कोई गलत वर्ड यूज़ कर दे। इसके लिए चाहिए कि आपके पास स्किल्स ज़्यादा अच्छी हों, ताकि आप क्वेश्चनिंग भी इस तरीके से करें कि अगले को अच्छा भी लगे और वो आपके सवालों का जवाब जो है वो इजीली दे सके। तो इसलिए इसका एक नुकसान ये है कि आपको हाई स्किल्स होना चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी, और आपके पास आप वर्ड्स का जो तयन है वो अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यूज की। तो जॉब सिलेक्शन इंटरव्यूज देखें, जब हम जॉब सिलेक्शन के लिए जाते हैं, जॉब सिलेक्शन इंटरव्यूज देते हैं, तो हम जाके वो हमसे इंटरव्यू लेने वाला पूछ रहा होता है कि बताएं जी आप कहाँ से आए हैं, आपकी क्या एजुकेशन है, आपने पहले कोई काम किया नहीं किया। हमारे जवाब के साथ उसके क्वेश्चन चेंज होते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ प्लान नहीं की होती, रैंडमली से वो क्वेश्चनिंग हमसे कर रहे होते हैं। या अगर हम वाइवा देख लें, तो जब हम वाइवा देने जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो क्या होता है, जो हमारे पास एग्जामिनर्स बैठे होते हैं वो हमारे जवाब के ऊपर डिपेंड कर होते हैं ये कि किस तरीके का उन्होंने क्वेश्चन करना है और किस तरह करना है। मोस्टली लिखा हुआ नहीं होता, वो रैंडमली क्वेश्चनिंग कर होते हैं। उसके अलावा हम टेलीफोन इंटरव्यू देख लें, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं कॉल पे, तो हम उसके हमने हर चीज़ लिखी तो नहीं होती कि उसके जवाब पे हमें ये जवाब देना। अक्सर हमें PTCL वालों से कॉल आती है, या यूफोन वालों से आ रही होती है, या किसी और जगह से आ रही होती है, तो वो हमसे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि बताएं आपका ये काम कैसे हुआ है या किस तरह हुआ है। तो एक वे होता है इंटरव्यू लेने का, आपकी इंफॉर्मेशन लेने का कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं और आपने कब से ये काम करना शुरू किया है। किसी भी तरीके के हम लोग इंटरव्यूज दे सकते हैं, जो और नॉर्मल हम लोग समझ रहे होते हैं ना कि हमसे नॉर्मल बात हो रही है, वो एक वे होता है आपकी इंफॉर्मेशन को लेने का। अगर हम फ्रेंड्स में देखें तो दूसरे का शेयरिंग कर रहे होते हैं, तो वो भी एक तरीका है आपस में इंटरव्यू करने का कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे। बस ये होता है कि जब हम कोई डाटा कलेक्शन करते हैं किसी खास अपने टॉपिक पे, तो वो फिर बन जाता है हमारे पास एक इंटरव्यू बन जाता है। कौन कौन से टूल हम लोग यूज़ करके अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूज जो हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं, हम टेलीफोन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने रैंडमली क्वेश्चनिंग करनी है, हमसे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन तैयार नहीं किए, वे हमारे पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो करना चाहते हैं, ठीक है, किस तरह की सिचुएशन पे। तो ये हम टेलीफोन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ से डाटा कलेक्शन करना चाहते हैं जहाँ पर हम नहीं जा सकते हो, अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमने यूके के लोगों का देखना है क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या रिस्पॉन्ड है उनका, तो हम उनको कॉल करके या किस तरीके से वीडियो वगैरह कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा हम ऑडियो टेप्स यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम कोई चीज़ हो सकता है ना कि हम जब उसके आंसर्स जो हैं वो हम भूल जाएं घर आते आते, जब हमें लिखने बैठे तो हम वो चीज़ भूल जाएं, तो हम ऑडियो टेप्स यूज़ कर सकते हैं, या ऑडियो रिकॉर्डिंग। आप मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग की ऑप्शन होती है हर मोबाइल में, तो हम लोग रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं कि हम जो उनसे सवाल करते हैं उस बंदे से उसने क्या जवाब दिया, तो एक ऑडियो टेप्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम वीडियो कैमरा यूज़ कर सकते हैं कि ताकि उसमें आवाज़ भी रिकॉर्ड हो और उस बंदे की शक्ल वगैरह हर चीज़ हमें पता चल जाए इजीली कि भाई इस बंदे ने क्या हमें जवाब दिया था और किस तरीके से दिया था। तो ये टूल्स होते हैं जो हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए यूज़ करते हैं। नो द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या होते हैं, इसके अंदर जो इंटरव्यू करने वाला है या आप रिसर्चर कह सकते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि हम खुद से क्वेश्चन कर दें। हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन जो हैं वो हमने लिखे हुए होते हैं, हमें एक बना के दिए गए होते हैं जो हम यूज़ करते हुए क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि आप देख लें कि वहाँ पे क्या था अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में कि हमने क्वेश्चन ने किया, उसके जवाब में जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आया हमने उससे फटाफट कर लिया। लेकिन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में ऐसा नहीं होता, हम ऑलरेडी हम क्वेश्चन जो हैं हमने लिखे होते हैं कि पहले हमें ये करना है, इसके जवाब के बाद हमें सेकेंड वाला क्वेश्चन करना है। और ये बहुत ज़्यादा वेल ट्रेन्ड लोग होते हैं जो उस टॉपिक के उस प्रॉब्लम के बारे में जो है उनको पता होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है। तो
तो वो प्रॉपर लिखते हैं क्वेश्चंस, उनके पास मतलब प्रॉपर होते हैं, जैसे आप देख लें कि न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, तो अगर वो मॉर्निंग शो कर रहे हैं, क्या करते हैं मॉर्निंग शो में, वो भी इंटरव्यू कर रहे होते हैं एक किसी भी एक्टर या एक्ट्रेसेस को, आके से पूछ रहे होते हैं आप यहाँ तक कैसे आए, क्यों आए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो वो कुछ चीज़ें स्ट्रिक्ट होती हैं कि आपने ये जो ये क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के करने हैं। उनके हाथ में एक पता ना पेज सा पड़ा होता है कि वो उसको देखते के क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, तो वो उनको ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, एक प्रॉपर जो ट्रेंड लोग होते हैं वो लिख के देते हैं किस तरह के उन्होंने क्वेश्चनिंग करनी है, ताकि कोई इस तरह के क्वेश्चंस ना हो जाए जिससे कोई अगला बंदा जो है उसकी कोई मॉरल वैल्यूज़ को हर्ट कर सके, या कोई एथिकल वैल्यूज़ भी ख़राब हो, या उसकी कोई इंसल्ट फील करे, तो इसलिए वह हर चीज़ देख कर, हर पॉइंट को देख कर जो है क्वेश्चंस लिखते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ही इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को यूज़ करते हुए क्वेश्चनिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर देते हैं, और हो सकता है कि उसका आपने जवाब ले भी लिया हो लेकिन वो आपके माइंड में क्लियर ना हो, तो जो इसका रिस्पॉन्स दे रहा है, जो रिस्पोंडर है, उसको ये चीज़ बुरी लग जाए और वो गुस्से में आ जाए, या फिर उसके आपका कोई क्वेश्चन इस तरह का हो जो आप जज्बाती होकर पूछ जाएँ, तो उससे वो उसका जवाब जो है वो आपको हर्ट कर जाए, या फिर आपस में जो है वो गर्मा गर्मी ना हो जाए। तो कुछ इसमें होता है कि वो चीज़ प्लान्ड नहीं होती, तो एकदम से आप करते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हर चीज़ आप हर चीज़ को देखते हुए अपने क्वेश्चंस को बनाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं, तो इसलिए ये ज़रा उससे अच्छा तरीका रहता है। दूसरा, आप इनसे ओपन एंड क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, आप क्लोज एंड क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, जिसको मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी, लेकिन इंटरव्यू के लिहाज से ओपन एंडेड क्वेश्चन ये वो होते हैं जो कि आप किसी दूसरे से पूछते हैं और वो इन डिटेल में आपको आंसर देता है, और क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसकी आप ऑप्शन दे जाते हैं कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है उसका जवाब ले रहे होते हैं, वो आपके पास होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो आपके पास ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपने उसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने हैं, आपने उसे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस करने हैं, या किस तरह के उनके साथ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो ये आप को लिखी हुई चीज़ें जो है वो मिलती हैं, जिसको आप पढ़ कर तो बस अगले से पूछ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। इसलिए आप देख सकते हैं कि टॉक शोज जो हैं, ये जो भी हमारे न्यूज़ चैनल्स पे हो रहे होते हैं, रात के टाइम टॉक शोज हो रहे होते हैं, तो एंकर्स जो हैं, सहाफ़ी जो हैं, वो बंदों को बुला कर उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, तो उन्होंने वो क्वेश्चंस आप पेज भी देख सकते हैं कि सामने रखा हुआ है, तो वो क्वेश्चंस कर रहे हैं उन्होंने लिखे हुए फॉर्म में उन्हें मिले हुए हैं, जो कि उन्होंने हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अगर ये सियासतदान लोगों से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा है कि पीछे से लेकर अब तक क्या हुआ, क्या हिस्ट्रीज थी, किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह के नहीं हो रहे हैं, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देख के वैस के लोगों ने क्वेश्चन लिखे होते हैं, जो कि एंकर जो सहाफ़ी है वो उसको बोल रहा होता है, ठीक है, उनसे पूछ रहा होता है और अपने जवाब जो है वो ले रहा होता है। तो ये इसके अंदर कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं, जिस पर वो कह रहे होता है कि आप हमें हाँ या ना में बस जवाब दे देंगे, क्या इसका जवाब है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक, होप सो कि आपको इंटरव्यू और कौन कौन से टूल्स जो हैं इंटरव्यू के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का में फ़र्क समझ आ गई होगी। मेरी तो पूरी कोशिश थी कि आज इस टॉपिक को क्लियर किया जाए डिटेल में, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ डाटा कलेक्शन के हाजिर होंगे, तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए और इंफॉर्मेशन को गैदर करते रहिए, और जो आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको अपने फ्रेंड्स को एक साथ शेयर करें जो रिसर्च कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, हम सबके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।